नमस्कार, मैं हूँ किरण आनंद और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किरण नुमेरो वास्तु में। आज आपसे बात करने वाली हूँ नंबर 9 की, मेरे मिसिंग नंबर की सीरीज में नंबर 9 लास्ट नंबर है। लास्ट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। आज इंतजार खत्म हो रहा है उन सबका जिन्हें बहुत दिनों से इस चीज की वेट थी कि उनके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 नहीं है। और नंबर 9 नहीं है तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्हें क्या फेस करना पड़ रहा है लाइफ में, और अगर नंबर 9 नहीं है तो क्या उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और क्या उन्हें नंबर 9 को अपनी डेट ऑफ बर्थ में लाना चाहिए। ये सब चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इन्हें अपने फ्रेंड्स, अपने सोशल सर्कल्स, अपने रिलेटिव्स में शेयर जरूर करें ताकि सबको इसका फायदा हो। अब मैं आपसे बात करूंगी आज नंबर 9 की, जिनकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 नहीं है, यानी कि मंगल का नंबर, मार्स का नंबर। और मंगल क्या है? मंगल है जोश, फायर, डिजायर्स, किसी काम को करने की आपकी प्रबल इच्छा। और ये नंबर आपको इतने जोश से भर देता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है किसी काम को भी करने का। आपको अगर कोई भी काम करना है तो आपको ये नंबर होने से उस चीज के लिए परेशानी फेस नहीं करनी पड़ती। लेकिन ये नंबर अगर मिस है तो क्या होगा? अगर ये नंबर मिस है तो आप लेजी होंगे, आलसी होंगे, बिना सोचे समझे कामों को करने की आपकी आदत होगी। सबसे पहले तो आप काम करना पसंद ही नहीं करेंगे, लेजीनेस होगी आपके अंदर, काम को आधा अधूरा छोड़कर आप दूसरा काम पकड़ लेंगे या उस काम को पूरा ही नहीं करेंगे। नंबर 9 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो सबसे पहले तो आपकी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। इच्छाएं खत्म क्या होंगी? मैं कहूंगी आपके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होगी किसी भी काम को करने की। एक जो स्पार्क होता है किसी भी काम को करने का, वो आपके अंदर नहीं होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा आपके अंदर। और क्योंकि आप सारा दिन आलसी रहेंगे तो आप वेट करेंगे कि सामने वाला आपको कुछ बोले तो आप उठकर मजबूरी में कुछ करें। और आपको एक बात बताऊं कि 2000 बॉर्न होने वाले बच्चों की डेट ऑफ बर्थ में मैक्सिमम बच्चों के बीच में ये नंबर 9 मिस है। ये नंबर 9 मिस है तो आपने देखा है कि उन बच्चों में काम को करने की कोई उनके अंदर ये इच्छा नहीं है कि हमें ये लाइफ में कुछ अचीव करना है या हमें ये काम करना है। आधा अधूरा काम करते हैं, आधा अधूरा काम करेंगे, फिर उस काम को छोड़कर या तो दूसरा काम पकड़ लेंगे या फिर वो काम पूरा ही नहीं करेंगे, लोगों से कट के रहेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि सामने वाला आकर आपसे बात करे या आपके बीच में घुले मिले। एक्सपेक्टेशंस लोगों से होंगी लेकिन खुद जीरो। अब जैसे मैं 2000 बॉर्न ऑनवर्ड जितने भी बच्चे हैं, इन सब के बीच में ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं, बहुत देखने को मिल रही हैं। सोशल मीडिया से कनेक्शन बहुत ज्यादा है, सोशली लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल खत्म, बहुत कम। और नेटवर्क जो आपका सोशल नेटवर्क है या फोन है, मोबाइल है या कुछ भी आपके कंप्यूटर है, इन पर सारा दिन बैठते हैं, लेजी हैं, मोटापे का शिकार हो रहे हैं। और अगर ये नंबर मिस है तो आप ये सोचें कि उनकी लाइफ से ये स्पार्क बिल्कुल फिनिश है, बिल्कुल खत्म है। अब मंगल क्या है? लाल रंग, फायर, ऊर्जा, ऊर्जा का नंबर है। और अगर हम वास्तु डायरेक्शंस की बात करें तो ये नंबर 9 जो इंडिकेट करता है वो है साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है,
और साउथ डायरेक्शन मंगल की है और मंगल के जो देवता हैं वो हैं हनुमान जी। साउथ मंगल की दिशा है, मंगल है लाल रंग। आप यहाँ पर ध्यान दें कि इस दिशा में आपके घर में पानी का कोई आप एलिमेंट ना हो, पानी की कोई चीज ना हो, फायर एलिमेंट यहाँ पर ज्यादा हो, आप ज्यादा यूज करें लाल रंग, आप यहाँ पे ज्यादा यूज करें। फायर एलिमेंट नहीं है तो आप यहाँ पे रेड फ्लावर्स की पेंटिंग या फिर फ्रेश रेड फ्लावर्स रख सकते हैं, कोई भी ऐसी पेंटिंग या डेकोरेटिव आइटम जिसका कलर रेड हो। आप ट्यूसडे को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, माथा टेकें, प्रसाद चढ़ाएं, लाल मसूर की दाल आप ट्यूसडे को हनुमान जी को चढ़ाएं। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो आप क्या करें, आप अपने पास एक ब्राइट जो सिल्क का कपड़ा होता है वो रेड कलर का एक स्क्वायर पीस आप अपने पास रखें हमेशा। और क्या कर सकते हैं, नंबर 9 की वाइब्रेशंस और एनर्जी को लाने के लिए आप रेड पेन का ज़्यादा यूज़ करें, और नंबर 9 को अपनी डेट ऑफ बर्थ में लाना बहुत ज़रूरी है। आजकल की जो जनरेशन है उनके लिए ये नंबर 9 उनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं है तो ये सब चीज़ें करके काफ़ी हद तक उसकी एनर्जी को अपनी डेट ऑफ बर्थ में, अपनी लाइफ में लाया जा सकता है। अब मैंने सबसे पहले एक वीडियो में बात की थी कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे नंबर मिस हैं तो आप क्या करें। सिर्फ एक नंबर मिस नहीं है, बहुत सारे नंबर्स मिस होते हैं डेट ऑफ बर्थ में। तो मुझसे पूछा गया कि अगर बहुत सारे नंबर्स मिस हैं, 2, 3 या 4 नंबर मिस हैं तो उसके लिए क्या करें। तो ये एक बोनस रेमेडी है, ये 1 to 9 सब नंबर्स वालों के लिए है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिस है, सपोज आपका नंबर 2 मिस है, 5 मिस है, 9 मिस है या 1 भी मिस है, जो 2000 ऑनवर्ड बच्चे हैं उनका 1 और 9 ऑलमोस्ट उनको जो है वो मिस होगा। तो ये नंबर्स अगर 2, 3 या बहुत सारे 3 या 4 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हैं तो आपको क्या करना है, आप एक वाइट कलर का पेपर लें और उस पर ये सारे नंबर्स लिखें, जो जो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हैं उस नंबर का आप टोटल करें। अगर सपोज उसका टोटल आता है 25 तो आप उसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएं, यानी कि 7 पर आप इसको लेकर आएं। अब आप देखें कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 या आपका डेस्टिनी नंबर जो है उस नंबर पर आपको 7 में उतने डिजिट्स ऐड करके आप उस पेपर पे लिख दें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 10 और अगर उसका टोटल आया है, आपके जो नंबर्स हैं उसका टोटल आया है 7, तो आप 7 में 3 ऐड कर दें, 10 हो गया। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ से ये चीज़ अगर मैच नहीं हो रही तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, जो डेस्टिनी नंबर होता है, आपका लाइफ पाथ नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ को टोटल करने के बाद जो नंबर आता है उस नंबर पर भी वो एडिशन करके आप उस डिजिट को लेकर आइए। आप ये अपने एक प्लेन पेपर पे लिखिए और अपने बेड के पास पीछे इस पेपर को चिपका दीजिए जहाँ पर आप सोते हैं। ये सब नंबर्स वालों के ऊपर ये रेमेडी अप्लाई करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो नंबर्स भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हैं, कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैंने मंत्र उपचार बताए हैं या मैंने कुछ पहनने की चीज़ें बताई हैं, कुछ और आपको अगर मैंने बताया है कि मंदिर जाना है, दान करना है, या डॉग्स काओ या बर्ड्स को, जैसा भी मैंने जिस नंबर के लिए रेमेडी बताई है, कोशिश करें कि आप टाइम टू टाइम वो सब रेमेडीज करती रहें। अब देखिए ये सीरीज ख़त्म हो गई है मिसिंग्स नंबर की, कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स मिस हैं तो आपको वो नंबर्स लाने चाहिए, नहीं लाने चाहिए, और क्या रेमेडीज थी, और वास्तु में उनकी डायरेक्शंस में आपको क्या चीज़ें यूज करके उन नंबर्स की वाइब्रेशंस को ऐड ऑन करना चाहिए। अब इसके बाद मेरे पास एक काफ़ी रिक्वेस्ट आई है कि मैं कार्मिक नंबर्स के ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो अब ये सीरीज के बाद ये फिनिश हो गई है 1 to 9, मैं कार्मिक नंबर के ऊपर बहुत जल्दी आपके सामने एक वीडियो लेके आने वाली हूँ, और उसके बाद मेरी सीरीज शुरू होंगी कि अगर कोई नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 से ज़्यादा बार है तो आपकी लाइफ पर उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि अगर नंबर 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम है, 3 टाइम है, तो आपकी लाइफ में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा।
सेम मैं आपको सब कुछ चीजें बताऊंगी, अपनी जितनी भी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप ये सीरीज आपको मेरी पसंद आई होगी और काफी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट भी किया इस चीज के लिए और उन्होंने रेमेडीज करनी स्टार्ट भी कर दी हैं और उन्हें काफी अच्छे रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। आप मेरे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें कि आपने क्या रेमेडी की और कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको कितनी देर में देखने को मिले। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।